हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम पड़ गया होगा कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपके एसएससी सीजीएल टायर 2 नॉर्मलाइज मार्क्स एंड रिजल्ट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बहुत से कैंडिडेट के कमेंट्स रहते हैं, क्या कट ऑफ से भी किसी के मार्क्स अधिक हैं और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ एंड किसी का काम भी हो गया, और दोस्तों कितना वेरिएशन देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं ये सारी जानकारी तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के बाद में आपको दिख रहा होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आती है पसंद तो इसको अभी लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वन बाई वन करके सारी इन्फॉर्मेशन। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कि हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले आपका कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैक्सिमम पोस्ट के लिए कट ऑफ गया है क्या है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर एंड जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो दोस्तों, यहां पर आपका यूआर का कट ऑफ कितना गया है, 433। ओबीसी का गया है 400.33 एंड यहाँ पर एसटी का गया है 327.05 और एससी का गया है 354.74। जैसे कि दोस्तों आप भी जानते हैं, इस बार एसएससी सीजीएल में बहुत से कैंडिडेट हैप्पी हैप्पी हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना कम कट ऑफ गया है, इतना भी ज्यादा नहीं बोल सकते हम इसको, अच्छा कट ऑफ गया है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं आपकी लिस्ट 3 में। और दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट कितने हैं, 50,240। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा होते हैं, कम नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो देख लिया हमने ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए कट ऑफ, और बाकी आप देख सकते हैं साइट पे जाके। अब बात करें कि इतना स्कोर ला रहे हैं हम 324 के समथिंग, तो क्या हम सेव हैं एंड इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन में कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से मैंने लिख रखा है कि 433 नंबर वाले क्या सेव है। तो दोस्तों आपको बता दें, आपके लास्ट ईयर के कंपेरिजन में यदि आप देखें तो आपके इतने नंबर हैं, तो दोस्तों आपके लिए अभी क्या है, खतरा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको नेक्स्ट फेज में जाके प्रॉब्लम हो सकती है आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को करना है क्या, आप लोगों को आपके टायर 3 की तैयारी जी जान से करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलता, आपका अभी इतने में सिलेक्शन हो गया, यह भी बहुत बड़ी बात है। इस बार का कट ऑफ हर बार की अपेक्षा अच्छा ही रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपको ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो आप लोग हंसते ना जाने दें, आप अच्छी तैयारी करें जी जान से, जिससे कि आप अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकें। अब बात आती है कि सर नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कितना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बता दें, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फंडा है जिसमें कुछ भी कहना निश्चित नहीं होता। मतलब नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है आपके 0 नंबर भी इंक्रीज ना हो। जी हाँ दोस्तों, यह रियलिटी है। हो सकता है आपके 2 नंबर इंक्रीज हो जाए एंड हो सकता है आपके 5 नंबर इंक्रीज हो जाए, हो सकता है आपके 10 नंबर भी इंक्रीज हो जाते हैं, और कभी कभी तो दोस्तों 15, उसके साथ साथ 20 और 25, यहाँ तक आपके नंबर बढ़े हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ नहीं बोल सकते कि कब क्या कैसे हो जाए, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन एक फॉर्मूला पे आधारित रहता है। जैसे कि आप जानते होंगे, यहाँ पर एवरेज एंड स्टूडेंट्स एंड टॉपर कैंडिडेट के मार्क्स को आधार मानकर आप लोग का जो फॉर्मूला है वो फिट करते हैं, देन आप लोग के नॉर्मलाइज मार्क्स निकाले जाते हैं। हाँ लेकिन जे है, यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा, आप लोग बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। और जैसे ही आप लोग का नॉर्मलाइज मार्क्स आएगा, आप लोग को थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, जो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। और बात आती है, क्या इतने मार्क्स से कम में भी किसी का सिलेक्शन हुआ है और इससे भी ज्यादा में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी तक तो ऐसा कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया जिसका कट ऑफ से ज्यादा में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और कट ऑफ से कम में भी सिलेक्शन हो गया है। यदि ऐसा कोई कैंडिडेट आता तो मैं उसके मार्क्स आपके समक्ष शेयर करता और आपको बताता कि हाँ भाई, जे कैंडिडेट है, इसके कम नंबर में भी इसका सिलेक्शन हो गया है एंड अधिक भी नंबर है बट भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों अभी तक ऐसा कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया। तो ओके डियर फ्रेंड्स, जो जो आप लोगों के डाउट्स थे उसके ऊपर मैंने बात कर ली है। यदि अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स, क्वेरी है, तो आप कर सकते हैं, और आप लोग का रो मार्क्स, आप स्कोर बता सकते हैं,
तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।